नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और इस चैप्टर के देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों, जिसमें 5 चैप्टर तक हमने करवा दिया है। और आज हमारा 6ठा चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। और इसके देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। इनको आप सभी को अच्छे से याद करना है दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल दोस्तों, आप सभी देखो, आपको पता है कि हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है, चैप्टर वाइज करवा दी है। ज्योग्राफी चल ही रही है, ज्योग्राफी की भी मैंने करवा दी है, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक बाकी है, वो करवा देंगे साथ साथ में। इसके अलावा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस मैंने हमने स्टार्ट किया, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पेपर में छपने वाले पर्सन है, ये 10 में मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करवा दूंगा दोस्तों, गारंटी मेरी है दोस्तों। याद रखना, इस वीडियो में ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो दोस्तों, टेंशन मत लो, ये याद हो जाएंगे आपको इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। गारंटी में याद मैं करवाऊंगा दोस्तों। हाँ, क्लास देखने के बाद कोई भी ऐसे कमेंट नहीं करेगा कि मुझे याद नहीं हुआ। अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो ऑनलाइन मुर्गा बन जाना दोस्तों, ऑनलाइन मुर्गा बन जाना, मैं बैठ जाऊंगा ऊपर, ठीक है। तो याद हो जाने चाहिए साथ साथ में दोस्तों। और आप सभी कह रहे थे कि भैया सीरीज तैयार हो गई, बिल्कुल सीरीज तैयार हो चुकी है। हिंदी की प्राइस 30 रुपए है, सीरीज मिल जाएगी। उसमें क्या है, एनसीईआरटी पर आधारित सभी मॉडल पेपर, सभी पेपर है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा पेपर, तो वो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो हिंदी की सीरीज तैयार हो चुकी है, पॉलिटिकल की तैयार हो चुकी है, अभी हिस्ट्री की बाकी है। तो आप इन नंबरों पर मैसेज हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई, बताओ दोस्तों। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, आपको पता हुआ पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा सर। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, पुष्पा याद याद करेगा दोस्तों। पुष्पाराज कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, अब पुष्पा याद करवाएगा आप सभी को अच्छे से, टेंशन मत लो। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखना कब हुई थी, 25 जून 1975। कब हुई थी, पूरा याद रखो। 1975 क्यों बोल रहे हो, 25 जून 1975 ऐसे याद रखो। 25 जून 1975 को भारत में क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा हुई थी। हाँ, याद हुई कि नहीं हुई, याद हुई सबने, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई, 25 जून 1975। अब देखो दोस्तों, याद रखना मैंने क्या बात कही दोस्तों, आपातकाल की बात कही, अब सुनना अच्छे से दोस्तों। आपातकाल बताओ, आपातकाल की घोषणा कब हुई, 25 जून 1975, बताओ सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई। अब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई 25 जून 1975, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे, ध्यान रखना मित्रों, पीएम, पीएम तो पीएम है इंदिरा गांधी, कौन है इंदिरा गांधी, पीएम कौन थे इंदिरा गांधी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं कि भाई पीएम इंदिरा गांधी है तो राष्ट्रपति बताओ, बताओ राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद, फकर फक फक फिक्र नहीं करा दोस्तों, फखरुद्दीन को कोई फिक्र नहीं थी, आपातकाल लगाओ काय लगाओ, फखरुद्दीन फक फक फखरुद्दीन याद रखना तो फखरुद्दीन अली मोहम्मद, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन, देखो फखरुद्दीन 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 अली मोहम्मद, फखरुद्दीन अली मोहम्मद ये याद रखना, कौन थे ये राष्ट्रपति थे। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली मोहम्मद, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कब लगा आपातकाल, 25 जून 1975 को, किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल लगा, याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद की बात कर लेता हूं, आर्टिकल की अनुच्छेद 352 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना साला। पुष्पराज झुक जाएगा नहीं झुकेगा, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हुई थी। अब याद कर लेना मेरे भाइयों और बहनों, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, अनुच्छेद 25 जून 1975 को, किस अनुच्छेद की थी, 352 के तहत। अब और याद करना, बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर, हम अनुच्छेद नंबर हम 356 की, 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अब आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लगा, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 60 इंपोर्टेंट है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल कब लगा था, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगा था, वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल याद रखना अनुच्छेद 360 के तहत लगा था। एक और इंपोर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 352 356 इसके अलावा 368 ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 में दोस्तों याद रखना, आपने नाम सुना होगा संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान संशोधन का उल्लेख, प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 368 में।
और अनुच्छेद 370 कश्मीर को दिया गया था एक विशेष अधिकार, लेकिन वर्तमान में हटा दिया गया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अब हर बच्चा कान पकड़ के उछल उछल के याद करके आएगा मेरिट में। बताओ आप तैयार हो कि नहीं हो? बिल्कुल सब है, याद रखना, एक एक प्रश्न को सुनना वापस। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, बताओ जल्दी से, ये भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। भारत में आपातकाल के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली मोहम्मद। फखरुद्दीन अली मोहम्मद दोस्तों राष्ट्रपति थे। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा? अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 356 में बताओ राष्ट्रपति शासन की बात है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो ये सब प्रश्न अच्छे से याद करना प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे से सुन लेना कान खोल के। अगर याद नहीं हुआ तो ऑनलाइन मुर्गा बन जाना, ऐसे मैं बैठ जाऊंगा ऊपर, ठीक है। तो याद कर लेना अच्छे से, तो बिल्कुल याद हो गया होगा आप सभी को। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, ये नारा किसने दिया था? दोस्तों नाम थोड़ा अजीब है, डीके बलुआ। ओहो याद रखना दोस्तों, दूसरे का आंसर आप लिखना डीके बलुआ। आहा बलुआ, डीके बलुआ ने ये नारा दिया था दोस्तों, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, ये नारा किसने दिया था? डीके बलुआ, ठीक है। देवकानंद, इनका नाम है देवकानंद बलुआ, ऐसे याद कर लेना, इनका डीके बलुआ ने दिया था ये नारा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, ये नारा किसने दिया था? डीके बलुआ ने। आगे बात समझ में? आगे ने सबके समझ में? याद कर लेना, एक नंबर के अंदर प्रश्न पूछीजिए, छोटो प्रश्न पूछीजिए, याद कर लो अच्छे से। नेक्स्ट है आपके सामने तीसरा, कि जनता के संसद मार्च का, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया था? जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया था? तो बिल्कुल दोस्तों सही सोचा आपने, वही वही कौन? जेपी नारायण, जेपी जेपी जय प्रकाश नारायण, बिल्कुल सही सोचा। क्या हो जाएगा? जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया था? जेपी नारायण यानी जय प्रकाश नारायण ने 1975 में, कब किया था? 1975 में। वही जय प्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण ने, याद रखना अच्छे से दोस्तों। पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज देखेगा, अच्छे से देखना है दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण ने। वही जय प्रकाश नारायण देशव्यापी छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, जय प्रकाश नारायण ने। देशव्यापी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जय प्रकाश नारायण ने। जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था या संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, यह भी याद रखना। तो जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया था? जय प्रकाश नारायण ने 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेस सेंसरशिप क्या है? ओहो प्रेस सेंसरशिप क्या पूछ रहे? प्रेस गब दोबड़ी को नहीं दोस्तों, गब पर अपना कपड़े प्रेस करते हैं ना, ऐसे वो नहीं है। प्रेस सेंसरशिप क्या है दोस्तों? प्रेस सेंसरशिप नहीं पता चलियो? देखो दोस्तों, अखबार में कोई भी खबर, ठीक है, छपने से पहले सरकार से अनुमति ली जाती थी, इसे बोलते हैं प्रेस सेंसरशिप, ठीक है। अखबार में कोई भी खबर छपने से पहले, ठीक है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसे कहा गया था प्रेस सेंसरशिप। ये पूछा जाता है दोस्तों प्रेस सेंसरशिप क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है, साला पुष्पराज नहीं झुकेगा। देखो आगे, बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नेता कौन था? हाँ बताओ, बिहार आंदोलन को प्रसिद्ध नेता कौन ही हो? बताओ जल्दी बताओ, अब हर बच्चा कूद कूद के याद करेगा, तो बताओ जल्दी बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नेता कौन था? जयप्रकाश नारायण, सही सोचा आपने, यही है दोस्तों जय प्रकाश नारायण। बिहार आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे जय प्रकाश नारायण, ठीक है। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था, देशव्यापी छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनको याद करना है। एक ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना बताओ,
जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। ये प्रश्न इसके इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन याद रखना जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1977 में। ये पूछा गया है दोस्तों पेपर में, मैंने देखा इस चैप्टर से संबंधित। और एक ये पूछा गया था भारतीय लोकदल, भारतीय लोकदल के संस्थापक कौन है, भारतीय लोकदल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भारतीय लोकदल के संस्थापक हैं। अच्छे से नोट कर लेना, भारतीय लोकदल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह हैं। स्थापना 1974 में की। होगी बात समझ में, आगे या सब समझ में आगे आगे ठीक है। नेक्स्ट, तो बिहार आंदोलन के प्रसिद्ध नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण, आपको याद रखना है। गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव के दौरान दिया गया, देखो पांचों चुनाव दोस्तों, पांचों चुनाव के दौरान दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। कौन दियो गरीबी हटाओ का नारा, कौन दियो, इंदिरा गांधी। बिल्कुल दोस्तों, इंदिरा गांधी ने तो दिया था गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में। तो याद क्या करेंगे प्यारे मित्रों, इंदिरा गांधी याद रखना, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में क्या दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तभी विपक्षी गठबंधन ने फायदा उठाया, ठीक है, ग्रेड अलायंस, विपक्षी गठबंधन था ग्रेड अलायंस, जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था कि इंदिरा को हटा दो, इंदिरा ने हटा दो, इंदिरा ने हटा दो, इंदिरा भाई कह रहे कि गरीबी ने हटा दो, इधर कह रहे इंदिरा ने हटा दो। तो याद रखना, इंदिरा हटाओ का नारा विपक्षी गठबंधन ने दिया था, और इंदिरा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है आ रहे नहीं सभी के, चलो अब देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन आपके सामने, सातवां क्वेश्चन का ही कह रही हो, सातवां क्वेश्चन देखो बड़ो क्वेश्चन है, पूछ जे सातवां क्वेश्चन कह रही हो कि सह जांच आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। मुंह कहीं जाऊं, हां सह जांच आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। अच्छा पुष्पा को पूछ रहा है कि आप क्या जानते हैं, पुष्पा बता देगा बिल्कुल, सह जांच आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप लिखेंगे, आपको पता होगा सह जांच आयोग, पुष्पा को दो मिनट रुकने दो। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था, सबको पता है, मैं सह जांच आयोग की बात कर रहा हूं, सह जांच आयोग। तो 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ, उस आपातकाल की जांच करने के लिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, एक तरीके से एक आयोग बनाया जिसे हम कह सकते हैं सह जांच आयोग। कौन सा आयोग, सह जांच आयोग। और इस सह जांच आयोग के अध्यक्ष थे जिनका नाम था जेसी शाह। तो जेसी शाह के नाम पर ही को नाम पड़ गयो सह जांच आयोग। बोलो मेरे साथ साथ कि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, तो आपातकाल की जांच करने के लिए 1977 में जनता पार्टी ने एक आयोग बनाया जिसे हम कह सकते हैं सह जांच आयोग, और इस सह जांच आयोग के अध्यक्ष थे जेसी शाह। जेसी शाह याद रखना, जेसी शाह ये इसके अध्यक्ष थे, सह जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह ये अध्यक्ष थे, और इनके नाम पर ही पड़ गया सह जांच आयोग। हो गया याद दोस्तों, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट, भारत में लागू आपातकाल के कोई तीन कारण बताओ। पुष्पा कोई पूछे कि दूसरा ने पूछे, नहीं पुष्पा ने पूछे, भारत में लागू आपातकाल के कोई तीन कारण। आपातकाल 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुई हो, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हो, अब इसका कारण पूछे कि तीन कारण बताओ, कारण के परिणाम भी बता दियो मैं, कारण के पुष्पा के परिणाम नहीं आए, पुष्पा परिणाम भी आते हैं साले पुष्पा को। तो याद रखना, भारत में लागू आपातकाल के कोई तीन कारण बताने हैं। तो देखिएगा आप लिखेंगे प्रमुख, कि जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रमुख फैसला हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रमुख फैसला, ये एक तो प्रमुख ये कारण था आपातकाल का। दूसरा, देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी छाई हुई थी, बिहार में आंदोलन, रेल हड़ताल, ये प्रमुख कारण आप लिख सकते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसलिए तो आपातकाल लगाना पड़ा। तो ये आप लिख सकते हैं प्रमुख, आपातकाल के प्रमुख कारण। परिणाम क्या निकला, परिणाम निकले दोस्तों हड़ताल हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, और जो ये है ना ये प्रेस सेंसरशिप ये भी लागू होगी। मैंने बता दिया प्रेस सेंसरशिप को मतलब क्या है, प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, प्रेस सेंसरशिप क्या है दोस्तों, अखबार में खबर छपने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी जिसे कहा गया था प्रेस सेंसरशिप, याद रखना। तो ये परिणाम है दोस्तों, याद रखो अच्छे से, आ रही बात समझ में। चलो अब देखो आगे नवा क्वेश्चन,
1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई? अब की बार पूछ, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, जो हर बात जीतती थी, पहले चुनाव 1952 में कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की थी, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ, कांग्रेस ने 371 सीटें हासिल की थी, तीसरा चुनाव 1962 में हुआ, कांग्रेस ने 361 सीटें हासिल की थी। यानी कहने का मतलब है कि बार बार जीती दोस्तों, लेकिन कही हो 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार होगी। अब कांग्रेस पार्टी की हार हुई, क्यों हुई हार, रीजन क्या है इसके पीछे, ये पूछा है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। किसने की? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ठीक है। 1977 के चुनाव आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई, अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। सड़क पुष्पराज बताता है आंसर। तो आपको लिखना है दोस्तों, दूसरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की जो लोगों के बीच जो लोकप्रियता थी वो खत्म हो चुकी थी। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, पहला कारण आप लिखेंगे कि दूसरे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जो है वो खत्म हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इधर जयप्रकाश नारायण का, नारायण का इधर शानदार व्यक्तित्व, ठीक है। इसके अलावा इधर ये जो है ये प्रेस सेंसरशिप ये लागू कर दिया गया, ठीक है। आपातकाल के दौरान बहुत से अत्याचार हुए, ठीक है। इस वजह से दोस्तों 1977 के चुनाव में कांग्रेस को हारना पड़ा, तो ये आप लिख सकते हैं कारण दोस्तों, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट है गुजरात और बिहार आंदोलन के प्रमुख कारण बताओ। आखिर गुजरात में आंदोलन क्यों होगी, बिहार में आंदोलन क्यों होगी, कई रीजन है, कई कारण है, वो देखो दोस्तों। कारण तो कई है, वही है कारण खाद्य तेल की बढ़ती कीमत, खाद्य तेल की बढ़ती कीमत की वजह लोगों ने आंदोलन शुरू कर दियो। आप लिख सकते हैं कि खाद्यान्न की बढ़ती कीमत, पहला कारण तो वही होगी खाद्यान्न की बढ़ती कीमत, खाद्य तेल की बढ़ती कीमत। दूसरों इधर गरीबी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो लोगों ने कहा कि आंदोलन शुरू हो जाएगी, बात करो आंदोलन शुरू करो, आंदोलन शुरू कर दियो। प्रमुख तीसरा आप लिख सकोगे भ्रष्टाचार फैल रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो लोगों ने कहा कि आंदोलन करने में फायदा है, इस वजह से ये प्रमुख कारण आपको लिखना है। आंदोलन किया था बिहार और इधर गुजरात में, आंदोलन कब हुआ था 1974 में इन्होंने आंदोलन कर दिया। तो आप इसका लिख सकते हैं उत्तर कि दोस्तों खाद्य तेल की जो है बढ़ती कीमत, खाद्यान्न की बढ़ती कीमत की वजह से जो है लोगों ने आंदोलन शुरू किया, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, इनसे परेशान होकर 1974 में आंदोलन फैला दिया दोस्तों, आंदोलन शुरू कर दियो, तो ये प्रमुख कारण थे। अरे यार फटाफट मैंने 10 क्वेश्चन बताई दिए और मुझे पता ही नहीं चला, बिल्कुल दोस्तों ये मैंने बता दिए। अब क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है, और अब मुझे मत कहना दोस्तों कि मुझे याद नहीं हुए, ठीक है, नहीं तो दोस्तों ऑनलाइन मुर्गा बना दिया जाएगा। तो वापस आपको मिलते हैं इसके चैप्टर नंबर 7 के साथ। क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है। और हाँ सीरियस तैयार हो चुकी है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। ओके, जय हिंद जय भारत।